तो ये भी मेरी बारी होने वाली है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, क्या मस्त लग रहा है पीछे से प्लेन देखो। प्लेन पता है ऐसे जा रहा है, ठीक है रुको, जैसे ये तो प्लेन नहीं बोल सकते, उसको पकड़ो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल, दिस इज योर तुषार अर्जा। तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों को लग रहा होगा तुषार भाई ड्रोन अनबॉक्स करेंगे। ठीक है, जो जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, काफी सारे लोग करते हैं, अगर आप नहीं करते तो कर लो, ठीक है तुषार बरेजा 20। और ना बात क्या हो रही है कि हाँ मैंने रिसेंटली ड्रोन लिया था, तो काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ड्रोन की वीडियो आएगी, बट ये वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है, तो मैंने कुछ स्पेशल वीडियो लेके आते हैं। हम खुद ड्रोन बन के उड़ते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम शेर बन के कर रहे थे, अब हम खुद ड्रोन बन के उड़ेंगे। और इतना ज़्यादा टंग स्लिप क्यों हो रही है, क्योंकि अभी बजे 7:30, मैं उठा हूँ अभी 10 मिनट पहले और बिल्कुल तैयार भी हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मैं 4 बजे सोया था, तो इसलिए कम नींद है और टंग स्लिप हो रही है बहुत ज़्यादा। आपको मेरे फेस से एक्साइटमेंट नहीं दिख रही होगी, बट अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है भाई मैं ऐसे ही रहता हूँ, ठीक है। बड़ी खुश हूँ मैं, कुछ हो रहा हूँ ऐसी, तो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ मैं साहिल भाई से मिलता हूँ और उसके बाद हम लोग क्यों कर रहे हैं और ये सब ना रीज़न बाद में बताऊँगा। लड़का कुछ ऐसा लग रहा आज, आप लोग बोलेंगे कि भाई क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इधर भी तेरी कॉलर है, जैकेट में भी तेरी कॉलर, मतलब कुछ लोग बोलेंगे जो फैशन वाले सोचेंगे ना, लाइफस्टाइल फैशन वाले, तो भाई वो जैकेट सिर्फ टेम्परेरी है, वहाँ पे जाके टी शर्ट में फोटो खिंचानी है, अच्छी टी शर्ट है इसलिए मैंने ऐसे किया है, और क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा स्वेटर या और जैकेट है नहीं। तो हाँ मैं कह रहा था आज तुम्हारे दोनों भाई प्लेन उड़ाएंगे, जवान लड़कियों के भाई नहीं, दिल जीत लेंगे मतलब कहने का मतलब, और बहुत तगड़ा प्लेन उड़ाने वाले हैं हम लोग। तो अगर आप लोगों को हमारी फ्लाइट की बुकिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट, क्या जगह का नाम, प्रमोशन, ट्रैवल एजेंट, हमने पैसे दिए और हमें बताया, इलेक्ट्रिशियन भी हम, हेयर ड्रेसर, यू आर जॉनी सिंस, आर यू एक्साइटेड फॉर दोस हु डोंट नो हु ही इज, डोंट सर्च हिम अप। हां क्या कह रहा था मैं, तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, अभी हैंगर 58 ढूंढना है, वो छोटे वाले जहाज है ना, वो हैंगर के अंदर खड़े होते हैं, तो जहाँ कपड़े टंगते हैं कुछ पुलिस वाली ग्रुप। तो भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं सिडनी मेट्रो एयरपोर्ट, और अब आप लोग सोचोगे कि इसका नाम सिडनी मेट्रो एयरपोर्ट क्यों है, हमको भी नहीं पता वैसे, है ना, छोटा एयरपोर्ट है और इतनी हम पंचायत करते भी नहीं जिंदगी में, काफी लोग नहीं होते, काफी दोस्त कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, कौन है, क्या कर रहा है, कौन कौन है, कौन सी लड़की है, तो वो वैसी पंचायत वाले जो कमेंटर्स हैं जो सोचते हैं कि भाई डिटेल में जो पूछते हैं भाई हमको भी नहीं पता। मुझे लगे बोलेगा कि तुम्हें पता सिडनी एयरपोर्ट, इसका नाम सिडनी मेट्रो एयरपोर्ट क्यों है, बताएगा बड़ी लंबी सोच में, तुषार रिसर्च करके आया है, नहीं मुझे भी नहीं पता, मैं कभी नहीं करता, और मेरे को डर लग रहा है गोप्रो से शूट करने देंगे कि नहीं, मतलब करने देंगे तो मैं कहाँ लगाऊँ गोप्रो, यहाँ लगाऊँ वो जो गोप्रो की ऐसे ब्लाउज जैसा होता है वो लगाऊँ, या फिर कुछ मतलब वही सोचना है अभी, वो बहुत ज़्यादा भारी डिस्कशन करेंगे अभी हम, और उसके बाद चलेंगे। और मैंने अभी कैमरे से वहाँ शूट करा था, पुलिस वाला आ गया था, वैसे कर रहा था मैं, और क्या हाल है उसको पता, सब्सक्राइबर तो हमारे जहाज खड़े हैं सारे लाइन में, ब्रिजा साहब का पिंक कलर का था किधर गया, तो भाई यहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत गंदा सा एयरपोर्ट है, कुछ है नहीं यहाँ पे खास, यहीं प्लेन, यहीं गाड़ी लगाओ, यहीं से प्लेन उड़ा लो, कुछ है नहीं इमिग्रेशन की। भाई देखो हम लोग फाइनली आ चुके हैं अंदर, ये हमारा प्लेन है, ए निक्का जा मैं ड्रोन आज जट उड़ाएंगे तुम्हारे दोनों भाई। तो ये वाला जो फ्लाइट एक्सपीरियंस है ये आधे आधे घंटे का ईच, भाई ये हम उड़ाने वाले हैं ये। तो ये मेरी बारी होने वाली है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है, क्या मस्त लग रहा है भाई पीछे से प्लेन देखो। और ये बता रहे थे कि ये प्लेन इनका है और ये वाला प्लेन भी पायलट का है, ठीक है, पायलट कौन है अभी मैं दिखाता हूँ आपको आराम से। तो और एक ये प्लेन आता है $1,20,000 का, ठीक है, इसकी जो मेंटेनेंस है अलग, वो कॉस्ट है वो मेरे को नहीं पता, मैंने इतना डिटेल में नहीं पूछा, बट एक प्लेन आता है $1,20,000 का, विच इक्वल्स टू 63 लाख, ऐसे कर लो अपनी मैथ्स, इतना मैंने अकाउंटिंग छोड़ दी, मेरे से मैथ्स वाले क्वेश्चन नहीं होते। तो साहिल भी बाहर आ चुके हैं अभी और इट्स माय टर्न नाउ, ब्रो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ओह इट वाज अमेजिंग, ब्रो ये चाबी पकड़ो, अगर मर गया तो घर पहुंच जाना, ऑल गुड,
प्लेन में बैठ चुके हैं और अंदर का मैं आपको इंटीरियर ऐसा है कुछ ठीक है, बिल्कुल GTI से बेकार है। अभी तुषार की लैंडिंग हुई है, अभी पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा था। How was your experience? Very nice. Very nice. Very nice. Did you get scared? Yeah, it was scary a bit, but it was fun. Did you have crosswind in landing? Yeah. Again? It was like going like this. Ah, so, yeah. That's 2 out of 2, David. You had crosswind landings. सुबह सुबह परांठे खाओगे यही होगा। खाया नहीं ब्रो, कुछ भी भूख लग रही है। मैं सोच रहा था मैकेस पे लगा देते हैं जल्दी, मैकडॉनल्ड्स पर सीधा लैंड करा देते हैं। तो काफी ज्यादा मजा आया भाई, आप लोगों को करना चाहिए ठीक है, एक बार ही टाइम निकाल के आओ। $100 इधर उधर खर्च करते रहते हो, इधर भी कर दो एक बार थोड़े से, मजा बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है, पैसे पूरे हो गए। ब्रो कैसा था, आप भैया के चैनल पे आएगा भैया का सीन? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। आई ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई अलोन, ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई प्लेन, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुषार को पैनिक अटैक आया था जब लैंड कर रहा था? नहीं थोड़ा सा भाई, पता है मेरा प्लेन पता है ऐसे जा रहा है ठीक है, रुको, जैसे ये तो प्लेन नहीं बोल सकते, इसको पकड़ो, जैसे ये प्लेन है वो ऐसे जा रहा है प्लेन, टेढ़ा ऐसे टेढ़ा हो रहा है लैंड, मेरी फटकी में कल लैंड करा दे तू, $100 फालतू ले ले जल्दी कर। वो पूरा हो गया आराम से, इट वाज रियली नाइस, बहुत सुंदर लड़की है उधर। कोई बात नहीं भैया, देख रहे हैं? नहीं देख रहे, नूरा भी नहीं देख रहे पीछे। अभी हम लोग जाएंगे घर और कुछ खाएंगे, हमने सुबह 7 बजे से कुछ नहीं खाया। रोको ना, मैं किस पे लगाते, 5 मिनट दूर है, तब तो स्लो चलेंगे। चाबी नहीं मिल रही यार, आपके पास है? आपको दी थी? तो भाई जब भी आप लोग फ्लाई करने आओ, जिसकी गाड़ी है उसकी चाबी दूसरे को दे दो नीचे लैंड पे, कहीं बेचारा कहीं। Bro, you have it. I gave it to you. It was my turn. कि आप लोग यहाँ पे लाइसेंस कैसे ले सकते हो कमर्शियल, आपको ये सीखना पड़ता है, और पढ़ाई वगैरह की बात तो उन्होंने करी नहीं, तो उन्होंने बोला कि वाले प्राइवेट वाले प्लेन, छोटे वाले प्लेन का लाइसेंस लेना होता है, फिर आपको कमर्शियल का लेना होता है। ऐसे करके काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और मेरा मन बहुत ज्यादा कर रहा है कि मैं भी फ्लाइंग करूँ, बट इट्स गोना बी रियली एक्सपेंसिव। तो देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। और अभी तो ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम हुआ है ये हुआ है $100 में ठीक है। $100 कैसे, तो लॉकडाउन में ना डील चल रही थी, यूजुअली 200 का होता है या 300 का होता है, तो लॉकडाउन में ऐसी डील चल रही थी कि $100 में $99 में लूट लो, मतलब आगे $99 में आगे प्लेन में उड़ाओ, मस्त करो, मजे करो। और मैंने भैया को बोला था कि कुछ स्काई डाइविंग करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ठीक है, तरंगी सा, बट भैया की डरते हैं ना भाई, पैनिक अटैक आ सकता है भैया को, तो स्काई डाइविंग पैनिक अटैक आया था। मैं उन्होंने करी हुई है, उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, तेरे को करने कर ले, मैंने कहा नहीं, वो $300 की 99 की, हमने कहा ये करते हैं है ना, जहाँ पैसे बचे बचाओ। तो भाई प्लेन उड़ाने के बाद अब आया बहुत तेज सुसू साहिल भैया को, मेरे को भी आया। तो मेरे को ना प्लेन उड़ाने से पहले आ रहा था, फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि प्लेन में निकल ना जाए हवा के अंदर, मैंने कहा चलो रोक लेते हैं, कोई नहीं बाहर निकल के करेंगे। तो जब भैया की फ्लाइट चल रही थी तो मैं यही देख रहा था कि मैकडॉनल्ड्स कितनी दूर है, क्या कुछ आसपास खाने को है कि नहीं। तो है यहाँ पे बस डाइनिंग है, पर हमको घर पहुँचना है 1 बजे, कुछ काम है, तो हाँ जल्दी सुसु करके खाना लेके घर जाएंगे। अगर कभी ना सुसु उसके अंदर तू, हाँ तब भी वाइपर लगे होते, तो बाहर थोड़ी करता, मैंने कहा कैसी बात कर रहे। और ना प्लेन के अंदर छोटी सी जगह थी, आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, मैंने थोड़ा सा पॉज दिया था वीडियो में, वहाँ से हवा आ रही थी अंदर, बिल्कुल ऐसे ठंडी ठंडी चिल्ड हवा, ऐसा लग रहा था चिड़िया ना आ जाए। भाई फाइनली हम लोग घर आ गए थे, और कंग्रेचुलेशन सब लोगों को, बॉर्डर्स ऑस्ट्रेलिया के खुल चुके हैं ठीक है। मैंने पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने बना दी थी ऑलरेडी, और नेट पे भी आ गए, सारे लोग अपडेट्स लेते रहते हैं, सब लोगों को पता लग गया होगा। और अब मैं सोच रहा हूँ रेगुलरली वीडियोज डालूँ ठीक है, रॉ जो चल रहा है ठीक है जिंदगी में। मैं पहले सोचता था करूँ नहीं करूँ, पर अब भाई आप लोगों को लग रहा हो तो शार भाई 2 दिन में 2 वीडियोज आ गए, क्या हो गया भाई? तब मैं सोच रहा हूँ रेगुलर हो जाऊँ अब से, और न्यू सिटी में बहुत जल्दी जाने वाले हैं। आई होप यू विल बी एक्साइटेड एज मी, मतलब मेरे को
ना काफी ज्यादा डर लग रहा है आगे की जिंदगी में कैसे होगा, सब कुछ कैसे हैंडल होगा, जीरो से करना पड़ेगा, वहां जाके फ्लैट ढूंढना है, ठीक है फ्लैट है घर जो भी करना पड़ेगा सब कुछ स्टार्टिंग से, अकेला होऊंगा, एक दो दोस्त है मेरे मेलबर्न में, ज्यादा नहीं है, बट मेरी जिंदगी भी आप लोगों की तरह शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट होने वाली है, सो इट विल बी रियली एक्साइटेड। पहले मैं इतना ज्यादा व्लॉग नहीं करता था, काफी सारी चीजें नहीं बताता था व्लॉग में कि असली मतलब हो क्या रहा है, ठीक है स्ट्रगल वगैरह की किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, एक एक छोटी सी छोटी चीज लेके डेली ब्लॉगिंग का अपने सोच रखा है। अब से हम डेली ब्लॉगिंग करें, कोशिश करेंगे, आई एम नॉट 100% श्योर क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा होता है और ऊबर ईट्स चल रही है ठीक है आजकल, तो अब ऊबर ईट्स की वीडियो आएंगी, कल ड्रोन अनबॉक्सिंग की आएगी, फिर ऊबर ईट्स की डाल दिया करूंगा ठीक है, और कुछ चलने रहा जिंदगी में। बाकी वीकेंड्स में हम लोग घूमने चले जाते हैं तो घूमने फिरने की वीडियो, और नूरा भी का बर्थडे आ रहा है तो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छी जगह पे घूमने जा रहे हैं, यू विल बी एक्साइटेड एज वेल, काफी सारे बड़े बड़े सरप्राइज आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिए, 3 लाख सब्सक्राइबर के बिल्कुल थोड़ा सा पास है, पता नहीं होंगे नहीं, विल ट्राई आवर बेस्ट टू पोस्ट रेगुलरली। एंड और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि बॉर्डर्स खुल चुके हैं ठीक है, हम लोग इंडिया जा सकते हैं, इंडिया से वापस आ सकते हैं लोग, जो जो बच्चे फंसे हुए थे, जिन जिन लोगों के पास वीजा है जो आ नहीं सकते। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई ऐसी बस सब्सक्राइब कर देना मैं बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया। ब्रो इसकी लुल्ली भी तो खराब है, ट्राईपॉड मेरे टूट जाते हैं, पता नहीं क्या है, नहीं नहीं घुमा के लाऊंगा चला के सीधा। भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं सिडनी मेट्रो एयरपोर्ट,